नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कोविड 19 महामारी को राज्य में समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रदेश के हर घर में जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करेगी और यदि किसी भी व्यक्ति में कोविड 19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका सैंपल लेकर के टेस्ट भी करवाया जाएगा ताकि राज्य से कोविड 19 की पूरी तरह से खात्मा की जा सके। ये जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान गृह तथा शहरी स्तरीय निकाय विभागों की समीक्षा बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज 4 विभागों की मीटिंग थी, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन, होम डिपार्टमेंट और लोकल बॉडी डिपार्टमेंट। मुख्य रूप से जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, ये चारों डिपार्टमेंट ही फ्रंट पर खड़े होकर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज हमने समीक्षा की है और जो लॉकडाउन पार्ट 1 था उसमें इन चारों डिपार्टमेंटों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और इनके बेहतरीन काम करने का ही नतीजा है कि हम जो कोविड पेशेंटों की संख्या है उसको नियंत्रित करने में कामयाब हुए हैं। हमारे आज की तारीख में टोटल जो एक्टिव कोविड पेशेंट हैं वो 149 हैं और इनमें से 122 तबलीगी हैं। अगर ये तबलीगियों का ऑडिशन ना होता तो आज हरियाणा शायद सारे हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जो व्यवस्थित प्रदेश इस लड़ाई को लड़ने में माना जाता। हमने आज कुछ निर्णय लिए हैं क्योंकि हम हरियाणा से कोविड का समूल नाश करना चाहते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें सारे हरियाणा में घर घर जाएंगी और हर आदमी की स्क्रीनिंग करेंगे और किसी में भी अगर कोरोना के सिम्टम पाए जाएंगे, जैसे बुखार है, खांसी है, जुकाम है, जो सिम्टोमेटिक कोरोना के माने जाते हैं, तो उन सब के सैंपल लिए जाएंगे और उनको टेस्ट करवाया जाएगा। हमारी लैब्स जिस दिन ये कोविड आया हरियाणा में एक भी नहीं थी। आज हमारे अधिकारियों के अथक परिश्रम से, वैसे तो 12 लैबें फंक्शनल होंगी पर 8 लैबों से हमारे टेस्ट होने शुरू हो चुके हुए हैं। हमने जहां जहां कोविड पेशेंट पाए जा रहे हैं और जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है उसके मुताबिक भी वहां पर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं। अर्बन इलाके में और ग्रामीण इलाके में कंटेनमेंट जोन की डेफिनेशंस पैरामीटर्स अलग अलग हैं। हर कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, एक भी आदमी अंदर नहीं जा सकता, एक भी आदमी बाहर नहीं जा सकता।
आवश्यक वस्तुएं भी उनको अंदर ही मुहैया कराने के लिए कह दिया गया है। और कंटेनमेंट जोन का, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से इन कंटेनमेंट जोन्स में रोजाना सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी, और जब तक वहां पर पूरी तरह सब ठीक नहीं हो जाता या कोई भी और पेशेंट वहां पर कोरोना का नहीं मिलता, तब तक ये कंटेनमेंट जोन, जब पेशेंट अगर मिलता है तो वो आगे डेट बढ़ेगी, नहीं तो फिर समय आने पर इनको रिलीज कर दिया जाएगा। हमने बैंक्स, सब्जी मंडी, मार्केट, करियाना की दुकानें, केमिस्ट की दुकानें, राशन के डिपो, उन सब को कहा है कि अपने ग्राहकों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना उनका अपना दायित्व है, वो मेंटेन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग। और जो दुकानदार या जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं तो उनको काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने आईएमए को भी एक लेटर लिखा है कि इस जो लड़ाई है ऐसे समय में, वो भी अपने सभी डॉक्टर्स को कहें कि वो मरीजों को देखें और प्राइवेट क्लिनिक्स को पूरी तरह से खोलें। जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए हमने कहा है। अभी हमने टेस्ट लिया था, उसमें से 197 डॉक्टर्स ज्वाइन कर चुके हैं और 58 डॉक्टरों की वेटिंग लिस्ट से हमने और ज्वाइनिंग लेटर्स जारी करने का फैसला लिया है। हमारे प्रदेश में 9 कोविड हॉस्पिटल इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से सारी सुविधाओं से संपन्न है। उनमें आईसीयू भी है, उनमें वेंटिलेटर भी है और अच्छे डॉक्टर्स की टीम भी है। कोई भी जो कोरोना का पेशेंट हमारे अस्पतालों में रिपोर्ट होता है, उसको ट्रीटमेंट के लिए केवल कोविड अस्पतालों में ही रखा जाएगा, ये फैसला लिया गया है। उनको ऐसे अस्पतालों में नहीं रखा जाएगा जहां दूसरे मरीज भी आते हैं और उनको उससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो। जैसा पीछे हमने तय किया था कि लोगों को, क्योंकि मोबिलिटी कम है और अस्पताल तक आना मुश्किल है, इसलिए मोबाइल डिस्पेंसरियां हमने चलाने का निर्णय लिया था। 411 मोबाइल डिस्पेंसरियों ने काम करना आरंभ कर दिया है।